हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अर्जुन MK2 टैंक के बारे में। अर्जुन MK2 टैंक के बारे में इनिशियली ये कहा जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट अब पूरी तरीके से डेड हो चुका है और इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि इनिशियली जब DRDO द्वारा अर्जुन Mk1 टैंक बनाया गया था तो उस टाइम पे ये टैंक 1990s के हिसाब से बनाया गया था। हालांकि इस टैंक की स्पीड और फायर पावर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट थी, जहां पर ये टैंक मैक्सिमम 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर मूव कर सकता था। लेकिन 2013 से 2015 आते आते अर्जुन MK1 टैंक के स्पेयर पार्ट्स को लेकर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। हालांकि बाद में उसे रेक्टिफाई कर लिया गया, लेकिन बावजूद इसके 124 के नंबर में ही इस टैंक को इंडियन आर्मी में शामिल किया गया, जहां पर रीज़न ये था कि इस टैंक को 1972 में इंडक्ट हुए T-72 टैंक को रिप्लेस करना था, जिसके हिसाब से इस टैंक का वेट 42 टन से लेकर 50 टन के बीच में होना था। साथ ही न्यू टेक्नोलॉजी भी इनकॉर्पोरेट होनी थी, लेकिन इवेंचुअली ये टैंक 62 टन का एक हैवी टैंक हो गया और फिर इसके डिप्लॉयबिलिटी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। इस चीज़ को देखते हुए DRDO द्वारा इसके मॉडिफिकेशन के ऊपर वर्क स्टार्ट किया गया, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट को MK2 नाम दिया गया। और इस बार DRDO आर्मी के साथ अर्जुन MK1 टैंक में जो भी इम्प्रूवमेंट अर्जुन MK1 टैंक में चाहिए थी, उसके लिए कंसल्ट किया गया और न्यू डिज़ाइन रेडी किए गए, जिसमें अर्जुन MK1 के तुलना में टोटल 89 माइनर और मेजर इम्प्रूवमेंट्स किए गए। लेकिन इस इम्प्रूवमेंट के बाद इस टैंक का ओवरऑल वेट बढ़कर 68 टन का हो गया। हालांकि जब इसकी फायर पावर और मैनुवरिलिटी को टेस्ट किया गया, तब इस टैंक ने अपने काउंटर पार्ट T-90 टैंक को ईजिली डिफीट कर दिया था। पर बावजूद इसके इस टैंक को भी 124 के नंबर में ही प्रोक्योर किया गया, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है वो 50 टू 55 टन क्लास की है। और ऐसा भी नहीं है कि हैवी टैंक की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन अगर आप इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल एरियाज देखेंगे तो वो रेगिस्तान, प्लेन, कनाल और माउंटेन रीजन दिखेंगे। प्लेन और डेजर्ट एरिया में ये टैंक अपने क्लास में अमेरिकन एब्राम टैंक से भी सुपीरियर है, जो कि पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन जब कनाल और माउंटेन्स की बात आती है, तब इस टैंक का वेट ही इसके ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को पंजाब रीजन के थ्रू इन्वेड करना है तो पंजाब रीजन में बहुत सारे कनाल मौजूद हैं और इस कनाल के ऊपर बने ब्रिज काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, जिसके ऊपर से ये टैंक पास नहीं हो सकते। इसके लिए या तो उस ब्रिज को नए से बनाना पड़ेगा, या फिर आर्मी की इस टैंक ब्रिगेड के साथ आर्मी को अपने मॉड्यूलर ब्रिज बनाने वाली टीम को साथ लेकर चलनी पड़ेगी। साथ ही माउंटेन रीजन में तो ये टैंक हायर एल्टीट्यूड पर ले ही नहीं जा सकते, इसीलिए इस टैंक को अर्जुन MK2 से नाम बदलकर अर्जुन MK1A कर दिया गया। लेकिन इस टैंक में जो फायर पावर झेलने की क्षमता, एवियोनिक्स और ऑप्ट्रॉनिक्स लगाए गए हैं, तो वो इतने पावरफुल हैं कि अगर इसके वेट को 55 टन तक लाया जाता है तो ये इंडियन आर्मी की सभी ट्रेन की रिक्वायरमेंट पूर्ण कर पाएगी। साथ ही ये इंडियन आर्मी की द बेस्ट टैंक होगी। लेकिन वेट कम करने का मतलब होता है टैंक की सेफ्टी और फायर पावर झेलने की क्षमता को कम करना, जो कि करना सही नहीं होगा। इसीलिए अब DRDO फिर से एक न्यू डिज़ाइन के ऊपर वर्क कर रही है, जिसे अर्जुन MK2 कहा जा रहा है। और DRDO के चीफ सर ने इसे खुद ही कंफर्म कर दिया है कि साल 2030 तक ये टैंक बनकर रेडी हो जाएगा। और आर्मी की जो फ्यूचर मेन बैटल टैंक वाली प्रोग्राम है, जिसके तहत 1700 टैंक ऑर्डर किए जाने हैं, तो उसमें ये कम्पीट कर पाएगा। DRDO इसके लिए जो अप्रोच अपना रही है वो इसके मॉड्यूलर डिज़ाइन को लेकर है, जहां पर अर्जुन Mk1 और Mk1A में बहुत सारी चीज़ें मैकेनिकली ऑपरेट की जा रही थी, अर्जुन Mk2 में इसे AI बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड कर दी जाएगी। सेफ्टी फीचर और फायर पावर सेम ही रहेगी, लेकिन जो मटेरियल इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा वो लाइटर और स्ट्रॉन्गर होगा। साथ ही ज़्यादातर ऑपरेशन कंप्यूटर बेस्ड कर दिया जाएगा, जिससे ये फ्यूचर के थ्रेट को भी इजीली न्यूट्रलाइज कर पाएगा और 50 टू 55 टन क्लास कैटेगरी का टैंक बन जाएगा। साथ ही इसमें जो इंजन लगाए जाएंगे वो भारत पावर पैक इंजन का 1500 हॉर्स पावर का इंजन होगा, जो कि अर्जुन Mk1A टैंक में लगे इंजन से 100 हॉर्स पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा। और ज़्यादा पावर का मतलब होता है कि बैटलफील्ड के अंदर ये टैंक अपने मोबिलिटी, इन्हांस्ड परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए जाना जाएगा, जो कि इंडियन आर्मी को आने वाले टाइम में अपने T-72 और T-90 टैंक को रिप्लेस करने में हेल्प करेगा। साथ ही इंडियन आर्मी के लिए ये एक गेम चेंजर टैंक साबित हो सकता है। तो इस सब के बारे में आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।